नमस्कार, बबीताज किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं मिल्क पाउडर से मिठाई। यदि मावा नहीं है या फिर अलग फ्लेवर में आपको खाना है तो इस तरह से झटपट से बनकर तैयार होने वाली मिठाई आप बना सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर 1 कप मिल्क पाउडर ले लिया है, 1/2 कप नारियल पाउडर और 1/4 कप चीनी पाउडर लिया है, थोड़ी सी इलायची पाउडर और थोड़ा सा मेल्टेड घी। थोड़ा थोड़ा दूध डालते हुए अच्छा सा डो तैयार करेंगे। एक साथ दूध नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा डालना है। तो ये देखिए मैंने तैयार कर लिए हैं। इसे 2 भाग में हम बांट लेते हैं। तो 1 भाग अभी रख देते हैं। 1 में मैं कोको पाउडर डालूंगी और अच्छे से मसल कर इसे मैं तैयार कर लेती हूँ। ये देखिए तैयार कर लिया है मैंने। तो चलिए वाइट वाला पोर्शन मैंने लिया है और इसे हम बटर पेपर लगाकर इस तरह से बेल लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसे बेल लिया है। पतला या मोटा आप अपने हिसाब से रखिए। तो ये देखिए किस तरह से बेला है, ये भी आप देख लीजिए ये। और ये मैंने दूसरा वाला भी बेल लिया है, चॉकलेट वाला। इसमें आप चॉकलेट भी डाल सकते हैं कोको पाउडर की जगह। इसे भी इस तरह से बेल लेना है और व्हाइट वाली शीट के ऊपर हम ये चॉकलेट वाली जो शीट है इसे हम लगा देंगे। इस तरह से कवर कर देंगे और धीरे धीरे करते हुए इसे हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। इसे सावधानी से फोल्ड करना है आपको, जल्दबाजी नहीं करना है। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से धीरे धीरे करते हुए इसे टाइट फोल्ड करना है, रोल बनाना है इसका। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से रोल बनाना है। तो ये हमारा रोल बन गया है, ये देखिए। अब मैं यहाँ पर बटर पेपर निकाल ले रही हूँ। तो ये देखिए मैंने निकाल लिया है, आप ऐसे भी रख सकते हैं इसे। मैं थोड़ा सा मेल्टेड चॉकलेट से इसे गार्निश कर दे रही हूँ। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से आप पिस्ता, बादाम या कुछ भी ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल सकते हैं। तो चलिए इसे फ्रिज कर लेते हैं। मैंने फ्रिज कर लिया था 10 मिनट के लिए। तो चलिए इसके किनारे कट कर लेते हैं थोड़ा। ये देखिए कितनी बढ़िया अच्छा सा पैटर्न आ गया है। तो चलिए पीसेस कट कर लेते हैं। ये देखिए कितने बढ़िया अच्छे से बने हैं हमारी मिठाई। झटपट से बनने वाली मिठाई हमने रेडी कर ली है और बहुत जल्दी बनकर रेडी हो जाती है, 5 से 7 मिनट के अंदर। और बहुत स्वादिष्ट लगती है ये मिठाई, बिल्कुल मावे की मिठाई की तरह ही टेस्टी होती है ये। मिठाई बनाते समय कुछ बातों का ध्यान देना जरूरी है कि जब आप डो तैयार कर रहे हैं तो मिल्क इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालिए, एक साथ ना डालें। डो आपको ना ज़्यादा सॉफ्ट लगाना है ना हार्ड। रोल बनाते समय इसे थोड़ा टाइट प्रेस करते हुए रोल बनाइए, ढीला ना रहने दें। और 10 मिनट के लिए इसे फ्रिज कर दीजिए ताकि अच्छे से सेट हो जाए। तो चलिए वीडियो ख़त्म करते हैं। और यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।